मेरे भाई लोग आ चुके हैं एक नया गेम प्ले लेके पबजी मोबाइल लाइट का वापस। तो आज मैं अकेला नहीं खेल रहा था, अपने एक टीममेट का खेल रहा था जो कि भाई जिसको जानता भी नहीं था। एक बार खेला तो उसके बाद दूसरी बार। तो उतरते ही मैं आइसलैंड पे उतरता हूँ और यहाँ से उतरते ही गन मिल जाती है। और देखो भाई ये सामने हाल खराब कर दिया मैंने। उतरते ही बेचारा के लॉबी में किलफिट आ गया, मतलब किलफिट में यहाँ पहुँचा दिया इस बंदे का। और इसके बाद एक और बंदा होता है ये प्रो सचिन नाम का, और इसको भी निपटा देता हूँ मैं ढंग से। अब मेरे को ज़्यादा वेट नहीं करना था, मैं रश मार देता हूँ कि भाई जो मैंने सबसे पहला बंदा नॉक किया था कहीं उसको रिवाइव नहीं मिल जाए। तो मुझे रिवाइव मिल चुका था, बट मैं दोनों को ही फिनिश कर देता हूँ। अब इन दोनों को फिनिश करने के बाद मेरा टीममेट जो है वो उसको मार देता है, प्रो सचिन टू जिसको मैंने सेकंड नंबर पर मारा था उसको मार देता हूँ। मेरे को लगता है कि भाई वो मर गया उसका उसके मैं सोचता हूँ कि भाई उसने मेरे टीममेट ना उसके दूसरे टीममेट को मार दिया तो वो पूरा फिनिश हो गए। अब हम लूटेंगे आराम से, कोई कुछ कहेगा नहीं, ठीक है। अब मैं ये सोच के चलता हूँ, बट भाई कुछ आगे कुछ और ही रहता है, मतलब गेम प्ले का रूह ही बदल जाता है। देखो कैसे अब मैं लूट ही रहा होता हूँ कि भाई देखो ऊपर से भाई कितना गंदा फायरिंग आने वाला है। तुम कहोगे यार मतलब ये क्या स्प्रे आया है। अब मैं ये है उठा रहा था और देखो भाई कितना गंदा स्प्रे मेरे मुंह पे पड़ जाता है। देख रहे हो कितना ख़तरनाक स्प्रे था यार मैं, मतलब वो तो मैं बच के अगर एक सेकंड में और वहाँ पे रहता मेरे हेल्थ वहीं पे कम, मैं डाउन। और भाई मेरे को लग रहा था ये बंदा मेरे को पूरे ही फिनिश करता अगर मैं गलती से भी नॉक हो जाता। बट मैंने साइड में कर लिया जल्दी से जल्दी। अब इस बंदे को नौ इसको थोड़ा डैमेज देने के बाद मैं रश मारता हूँ और मुझे पता था अपना सगा बुला हुआ उसको। अब ये प्रो रिंकू तो भाई गया काम पे। अब मैंने यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर दी वीडियो क्योंकि भाई आप लोग बोल रहे हो क्योंकि अब बंदे तो मिलने नहीं वाले थे इतनी दूर तक। और अब मेरे को स्कोप चाहिए था, मैं अपने टीम मेट से कहता हूँ यार मेरे को स्कोप दे दो, मेरे पे स्कोप नहीं है और मैं रेड डॉट से काम चला रहा हूँ, मेरे पे स्कोप नहीं है। अब मैं उनसे बोल देता हूँ कि भाई मेरे को स्कोप दे दो। तो मैं गाड़ी को रोकता हूँ और भाई वो मेरे को स्कोप ड्रॉप कर देते हैं 6x। और 6x तो भाई तुम्हारे भाई को जब मिल ही जाता है तो क्या ही हो जाता है, बस तुम पूछो नहीं। बस एक चीज़ की कमी थी, वो है कंपनसेटर जो कि भाई रिकॉयल कंट्रोल करता है। अब ये बंदा भाई मेरी गाड़ी में आगे बैठ गया, मैं भाग लेता हूँ पहले फुट दस में दर से क्योंकि इधर बंदे तो थे नहीं, इस वजह से अब यहाँ पर रह के क्या करेंगे रे। तो अब मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा फायरिंग के साउंड आ रहे थे तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में चला जाता हूँ और भाई इधर बंदे देखो क्या ही हो जाता है। बंदे तुम देखना भाई कैसे दे। अब ये सामने से जो गया था भाई इसकी तो बहुत गंदी किस्मत थी। और देखो भाई इसको कितना गंदी मौत मारता हूँ मैं, तब कहीं भाई इसके मुँह पे टेंपर का स्प्रे बजा दिया। अब एहसान राज को या फिर खैसान राज को या फिर क्या बोलते हैं यार, कुछ नहीं बोलना आता, बोलना भी नहीं चाहता। अब एक और मतलब इसके बाद इसका टीममेट जो था ना वो तुम भी कहोगे यार, मतलब कुछ और ही लेवल के हैक कर क्या रखा था यार। देखो अब ये जो बंदा था देखो भाई इसको मैंने कितनी गोली मारी, ये मरा क्यों नहीं तुम ये बताना कमेंट में कर दो। और ये इतनी स्पीड में भाई मेरे पास कैसे आ गया। और भाई देख रहे हो देखो अब ये बताना भाई ये कमेंट में हैक करता है फिर क्या था, ये चीज़ क्या थी, मतलब समझ नहीं आया मेरे को। क्योंकि अगर इसका लो पिंग भी मतलब हाई पिंग भी होता ना तो ऐसा नहीं होता भाई किसी पिंग एक बंदे का इतने हाई पिंग में भी कैसे हो जाएगी। तो भाई कमेंट में बताना मेरे को तो ये हैकर लगा था क्योंकि मतलब ऐसा थोड़ी है, मतलब अगर हैकर भी होता ना तो हैकर गायब नहीं हो जाते कि भाई ऐसी वो स्पीड में होते हैं, बट ये तो गायब भी हो रहा था यार, मतलब मुझे तो हैकर ही लगा था ये शायद से नए हैक आ गए हूँ पबजी मोबाइल लाइट में। अब इस बात को छोड़ते हुए बंदी की क्रेट तो भाई ज़मीन में बनी थी और मैं लूट नहीं सकता था क्योंकि घर मेरी चाहिए बाहर था भाई, घर के अंदर क्रेट बनती है ना घर में तो लूट सकते हैं, वैसे शायद से नहीं लूट सकते घर में। तो भाई उस टाइम इससे पिछली वीडियो में भाई उसमें मेरी किस्मत अच्छी थी वैसे लूट लिया बहुत पूरा फिनिश कर देता हूँ। इसी के साथ मेरे 8 किलो जाते हैं और मेरे को एक्सटेंडेड वगैरह सब लूटने के लिए मिल जाता है। अब मैं अपने टीममेट से कहता हूँ भाई चलते हैं यहाँ से, सब कुछ कर दिया यहाँ पे बंदों का काम तमाम। तो अब यार अब वीडियो में यार अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि भाई एंटरटेन नहीं मैं क्या ही बोल रहा हूँ, समझ नहीं आता अपने को, मतलब पूछो नहीं। अब भाई एंटरटेनमेंट के लिए भाई मैं आप लोगों को बताओ खुश करूँ मैं वैसे बोल सकता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है। राखी सावंत बन जाऊँ के राखी सावंत या बिग बॉस का BB14 है जैसे कि
और पता नहीं क्या क्या होता है। अब मैं गलती से दूसरी बग्घी उठा लेता हूँ और मैं दूसरी बग्घी से पहली फुर्सत में अपनी बग्घी में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी बग्घी में बिल्कुल सिक्योर सिक्योर थी। अब ये मेरा टीममेट हाँ टीममेट बैठ जाता है मेरे पीछे और मैं इसे भग लेता हूँ इसे लेके, क्योंकि भाई यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब मैं दूसरी गाड़ी बदल लेता हूँ, क्योंकि भाई ठाकुर हूँ ऐसी थोड़ी, ये छोटी मोटी गाड़ी में कौन जावे, मैं नहीं आता भाई छोटी मोटी। अब ये टीममेट मेरा पता नहीं कौन था यार, ये बैठ नहीं दे रहा था। अब वैसे तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में था बट मैं जानता नहीं था कौन था। अगर घोष कैसर भाई देख रहे होंगे तो उनको पता है कौन था, क्योंकि और भाई तुम्हें पता है मैं एक बार रात में मतलब मैं खेल रहा था रात को, ठीक है, और भाई साहब मेरे पास में मैं सो ही रहा था, अकेला सो रहा था उस टाइम में, तो मेरे पास में भाई चूहे हैं ना घर में, चूहे होंगे एक दो है ना भाई, उन्होंने मतलब मैंने पंखा चला लिया था भाई ठंडों के टाइम में, पंखा चला लिया और भाई साहब पंखे चलने पर मैं सोच रहा यार मतलब ऐसी आवाज़ आई थी, तो पंखा चलने के बाद क्या बोलते हैं जैसे होता है ना आवाज़, बट मुझे ये नहीं पता था कि भाई वो चूहे होंगे जो मेरे को डरा देते हैं रात में। अब भाई आवाज़ जब पंखा चला और भाई मेरे को लगा कि यार इतना नहीं डरना चाहिए, बट भाई जब मैं पहली बार ऐसा सोचा नहीं भाई कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था है ना, कागज़ हिलाता एकदम से और ऐसी आवाज़ आई थी, पहले मैं एकदम से मतलब थोड़ा सा सिक्योर हो गया यार, मतलब क्या हो गया मेरे साथ, ये आवाज़ ये रियलिटी में आई थी या फिर कैसे आई थी। और फिर भाई मैंने पंखा चलाया है ना, उसके बाद 2-3 सेकंड बाद भाई मैंने 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ यार, मतलब 2 मिनट के लिए मेरी आँख बंद हुई और एकदम से मेरे कान में आवाज़ आई, आप लोग सुनाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ मैंने इस गेम में बंदे मार दिया था और भाई मतलब वो शो वाली आवाज़ ना एक चूहे ने निकाली थी, मतलब चूहा वहाँ पे घूम रहा होगा तो भाई वो कागज़ उसके हाथ में वगैरह में मतलब हो गया होगा, बट आवाज़ तो आई थी भाई मेरे को इतना पता है। और भाई मेरे को उस टाइम इतनी मेरी हालत ख़राब मतलब फटके 64 हो गई थी मेरी उस टाइम में, मैंने मालूम है दूसरे कमरे में गया, मम्मी मेरे को डर पर भाई वो कह रहे हैं और खेलोगे रात में गेम और खेलोगे, ये हो गया। तो इसके बाद भाई मैंने यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया था जिसका नाम है मिस्टर परफेक्ट 338। अब ये मिस्टर परफेक्ट कहाँ से था मुझे भी नहीं पता, बट परफेक्ट नाम ही लग रखा है शायद से, परफेक्ट नाम का है ये। वो बंदा रिवाइव हो जाता है और मैं इधर से देखता हूँ कि यार बंदे कहाँ हैं, और मिल जाए तो मतलब हेडशॉट मार दूंगा AWM का। और अब बंदे तो भाई मिलेंगे बट ऐसे मिलेंगे कि जैसे सोचा ही नहीं था। अब ये जो बंदा था ये पता नहीं भाई क्या ही चल रहा था, तो भाई मैं इसके 2 शॉट मारता हूँ बट इनमें तो किसी की भी करेक्ट नहीं होता। अब मेरा पिंग तुम देख रहे हो मतलब 100 करीब आ रहा है, बट फिर भी यार ये बंदे पता नहीं कैसे ही चल रहे थे। इस वजह से अब ये बंदा आता है मिस्टर परफेक्ट नाम का, इसको तो मैं एक भी शॉट नहीं मार पाता हूँ पता नहीं क्यों, बट ये ज़्यादा मूवमेंट मिल रहा था। अब इस मूवमेंट को तो मेरा टीममेट भाई कितना गंदा मारने वाला है अगर तुम पूछोगे नहीं। अब इसकी टीममेट ने ये गलत किया, उसने अपनी पोजीशन रिवील कर दी और इसके हेडशॉट पड़ जाता है। Enemy down. यार मेरा तो गला बैठ गया बहुत गंदी तरीके से। अब इस परफेक्ट नाम के बंदे को तो मेरा टीममेट ही संभाल लेता है अकेला, और वो पानी से आ रहा था तो मेरे टीममेट ने देख लिया उसके हेडशॉट से मार दिया। अब ये जो इसका टीममेट था बट यार इसके शॉट इतने मारे, बताना तुम ये मरा क्यों नहीं था, ये सॉरी बताना ये मरा क्यों नहीं था, क्योंकि जिस एमिंग पे मैंने इसको शॉट मारा उसको तो हर किसी के लगना चाहिए बट इसके नहीं लगा। अब मिस्टर परफेक्ट का तो मेरे टीममेट ने खेल ख़त्म कर दिया, वो अपने टीममेट को रिवाइव देने जा रहा था और मेरे टीममेट ने मार दिया। और पीछे तो कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रही है, नॉइज आ रही है, तो भाई उसको भूल जाना क्योंकि ये कुछ गंदी सी साउंड है, गाने चल रहे हैं मेरी साइड पे। और अब जो मैं वॉइस मतलब वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो ये सुबह हो रही है, सुबह के 10:23 हो रहे हैं तब की बात है ये। तो अब मैं इधर आता हूँ बट इधर भाई कितने बंदे होने वाले हैं तुम प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते, मतलब अभी ये देखा इसके हेडशॉट दे दिए मैंने पीक थी हेडशॉट, ठीक है अभी इसको याद रखना क्योंकि लास्ट डुओ बचे थे इस गेम में। और इसके अलावा एक ये डुओ था इसका टीममेट था ये, तो
और इसका तो भाई कुछ गलती वाला भरने वाले हैं। मतलब यार इसकी इतनी गंदी गोली बजा दी है, अब तुम भाई देखना इसकी कितनी गंदी गोली बजाई हमने। वैसे मेरे टीममेट ने नहीं, सिर्फ मैंने बजाई थी इसकी गोली, बजा दी भाई मुंह पे। अब मैं उधर साइड भाग लेता हूँ ग्रेनेड करने, कि भाई एक दो तो नॉक होंगे होंगे क्योंकि उधर बंदे हैं, तो भाई नॉक तो होना बनता है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, एक भी नॉक नहीं होता, बट यहाँ पे एक बंदा होता है। मैं पूरे ग्रेनेड डाल देता हूँ, मेरे को ज़्यादा वेट नहीं करना था इन पे, रश मारना था क्योंकि मेरा टीम मेट मेरे पास आ गया था। और फिर क्या गए काम से मेरे हाथों से। अच्छे लगी हो वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी आके कर लो। बाय बाय। खबर तेनू कोई ना, साडे दिल दा।